हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैकी इन यूएस में, जहाँ पे मैं मैकी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कुछ मिथ्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले सारे वीडियोज़ में। और उसके अलावा मैं कुछ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि मैं कमाने लगा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ और अलग अलग चीज़ें हैं जैसे रियल एस्टेट है या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या अलग अलग चीज़ों पे जो भी मेरा नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले वीडियोस में। और साथ ही साथ लाइफ इन यूएस कैसा होता है, क्या क्या यहाँ पे अलग है, क्या क्या चीज़ें आपको सोच लेनी चाहिए पहले आने से पहले यहाँ पे, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी आप क्या क्या सोच सकते हो, कैसे कैसे आप आ सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और नॉट ओनली यूएस पर बाहर भी अगर आप जाना चाहते हो आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे आपको जॉब मिलता है, या फिर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, किसको अप्रोच करना ज़रूरी है, उन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जो भी मेरा जर्नी था और जो भी मैंने आउट ऑफ द जर्नी भी सीखा है वो सब मैं आपके सामने ला सकूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ एक मिथ क्लियर करने के लिए है टूवर्ड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ मास रिक्रूटर्स, राइट। तो जनरली लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे मास रिक्रूटर है ये तो ऐसे ही तुम बिना कुछ बोलो, नहीं भी बोलोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा एंड स्टफ लाइक दिस। तो जनरली जब मैं 2017 में जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तब TCS, एसेंचर और अलग अलग कंपनीज आती हैं जो कि मास रिक्रूटर्स कहलाते हैं, और वो लोग कुछ 200-300 कैंडिडेट्स हायर करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज, और पता नहीं इन ईयर कितना हायर करते हैं, बट हमारे कॉलेज से कम 200-250 लोगों को हायर किया था उस टाइम पे। तब हमें वो सारी कंपनीज TCS, एसेंचर, वो सब IT कंपनीज लगती थी, तो हमें लगता था पता नहीं इनको कोडिंग क्यों करवाएंगे या क्या करवाएंगे, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन उसके बाद अभी जब मैं थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में हल्का सीख रहा हूँ या और जितना मेरे को 7 साल हो गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर फील्ड में, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है कि कंसल्टिंग क्या है, क्या करते हैं वो लोग, और ये जो TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, और एसेंचर भी, वो मेजरली कंसल्टिंग फर्म्स हैं। अब कंसल्टिंग फर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जनरली मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप ऑटो मैन्युफैक्चरर है फॉर एन एग्जांपल, या फिर आप पार्ट डीलर है एक तरीके से, राइट। तो आप बहुत बड़े मान लीजिए पार्ट डीलर भी हैं अगर, तो आप किसी भी कंसल्टिंग फर्म के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि यार मेरा जो मार्केट शेयर है या मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहले तो बहुत अच्छा चलता था, पर अब उसकी डिमांड पता नहीं कम हो गई है कि क्या है, मेरे को रेवेन्यू नहीं दिख रहा है। मतलब 1 करोड़ का रेवेन्यू था लेकिन अब 30 लाख या 40 लाख पे ही आ गया है वो रेवेन्यू। तो वो लोग जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपनी टीम के साथ बैठ के आपके साथ बात भी करेंगे, थोड़ा रिसर्च भी करेंगे, चीज़ों के बारे में देखेंगे कोई नया प्लेयर आ गया कि नहीं, कोई कॉम्पिटिशन आ गया कि नहीं, वो सब चीज़ें देख के और वो सब चीज़ें एनालाइज़ करके, डेटा एनालाइज़ करके, ह्यूमन इमोशन एनालाइज़ करके, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज़ करके एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर वो आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें आप कर सकते हो, जिससे कि आप उसको, जैसे आपको पता चल जाता है तो आप उस पर अटैक कर सकते हो या फिर आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो एक तरीके से। तो मोस्टली कंसल्टिंग का काम वही है, कंसल्ट करना किसी चीज़ पर, और मोस्टली वो बिज़नेस रिलेटेड इशूज़ ही होते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस, क्या आपका बिज़नेस का स्केल है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ही बड़े स्केल में काम करते हैं, मान लीजिए आपको 100, 200, 500, 1000 करोड़ का आपका टर्नओवर है और आपका मार्केट शेयर गिर जाता है, अगर आप पहले इंडिया में मान लीजिए कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें अगर आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे और आप शायद 5, 10 या 20% आपका मार्केट शेयर होगा उस पर्टिकुलर क्लोथिंग सेक्शन में, पर अभी शायद कंपटीशन 5-6 कंपनीज आ गई हैं जिसके वजह से आपका मार्केट शेयर गिर गया है। तो अब आप एक कंसल्टिंग के पास जाते हैं, मेजरली सबसे बड़े नाम मैकिन्सी, BCG और बेन है, जहाँ पे आप जाते हैं, आप बोलते हैं कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सेम काम जो सेम मैकिन्सी, BCG, बेन करता है, वैसा ही काइंड ऑफ काम
TCS और Accenture में भी होता है, जहाँ पे ये मास रिक्रूटर्स जो आपको 250-300 लोग ले रहे हैं, वो सब में काफ़ी लोग कंसल्टिंग में जाते हैं। और वो हमें तब लगता था कि मजाक है ये है, और पता नहीं कोर में ही जॉब लगना चाहिए, मैकेनिकल में कोर में जॉब नहीं लगता था तो लोग मजाक उड़ाते थे और वैसा है। लेकिन जो भी मेरे दोस्त थे जिनको एसेंचर में भी लगा, TCS में लगा, अलग अलग कंसल्टिंग फॉर्म्स में लगा, वो लोग बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं। वो लोगों ने अभी MBA भी कर लिया, क्योंकि उनका बिजनेस एक्यूमेन शायद मैच नहीं करता था उस टाइम पे। तो बाद में जब उन्होंने थोड़ा बहुत कंसल्टिंग काम किया तो उसके बाद उनको समझ में आया कि अच्छा ठीक है एक MBA भी कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और अच्छा हो जाएगा उनके लिए, उनका एक बिजनेस एक्यूमेन बिल्ड हो जाएगा एक तरीके से। तो फिर वो करते ही उनका और भी एक्सेल हो गया उनका करियर, और अभी सब लोग 25-30 लाख रुपीज़ पैकेज में हैं ईजीली, उससे ऊपर ही होंगे तो नीचे नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मास रिक्रूटिंग में अगर आप रिक्रूट हुए हैं तो आप उसको कम सोचें, आप उसको छोटा देखें, ऐसा नहीं है। आप ये एक पर्टिकुलर जॉब है जिस जो आपको एक स्किल डेवलप करेगा, एक बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा डेवलप करेगा, थोड़ा बहुत आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहले कभी आप एयरलाइन पे काम करोगे, फिर कभी आप ऑटोमोटिव में काम कर रहे हो, कभी आप फार्मा के लिए काम कर रहे हो, कभी आप हेल्थ डिवाइसेस बनाने के उसमें काम कर रहे हो, राइट? तो आप हर चीज़ में कंसल्टिंग कर सकते हो, 3 से 6 महीने के आसपास उसका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन रहता है। तो उससे आप एक अच्छा आपको एक वो मिल जाता है कि आपको किस चीज़ में टेक्निकली इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स या सिविल इंजीनियर्स या ETC इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, वो लोग भी एसेंचर इन सब में क्यों जाते हैं? अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं है कंप्यूटर साइंस IT से। सब लोग अपने अपने फील्ड में पायनियर्स हैं, वो समझते हैं कि क्या करते हैं। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मैं समझता हूँ कि इंजन्स में क्या जाता है, क्या होता है, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही बाकी लोग भी सब कुछ समझते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या कुछ भी हो गया, उनको कैसे पाथवे बनाना है वो उनको पता है। लेकिन फिर भी हमेशा से ऐसा होता है, और मोस्टली कॉलेजेस, इंडिया के कॉलेजेस में तो ऐसा ही होता है कि IT या CS को ही बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर्स और इन सब का, क्योंकि कोर प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए नहीं, इसलिए वो लोग इन कॉलेजेस में नहीं आ पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी है दुनिया में, पर वो प्रॉब्लम्स मोस्टली कंसल्टिंग से सॉल्व हो रही है, इसलिए कंसल्टिंग के लोग 250-300 लोग ले रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोर में जॉब नहीं मिला इसका मतलब आपका लाइफ ख़त्म हो गया है, आपका करियर वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपको लिया ही इसलिए कि आपको एयरलाइन, सबमरीन या फिर यॉट या फिर ये सब के प्रोजेक्ट्स आपको दे देंगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी नेट ज़ीरो का जो प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर भी जो भी सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी की, वो लोग मैकेंसी, BCG या किसी भी टॉप टीयर कंपनी, TCS, इवन एसेंचर, किसी भी कंपनी के पास जाके वो करवा सकते हैं, और वहाँ पे पिच कर सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा रिपोर्ट चाहिए, आप हमें बताओ आप हमें कि हमें क्या करना है। तो आप अगर आप उस टीम का हिस्सा हैं तो आप वो काम करेंगे और आप सीखेंगे भी, उससे आपको एक एक्साइटमेंट भी रहता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि यार ये इम्पैक्ट, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा देखा किया और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है किसी चीज़ पे, तो वो आपको बहुत एक्साइटमेंट भी फील करवाएगा इन अ वे। पर हाँ, 22 साल की उम्र में आपको नहीं पता है कि आप ये चीज़ें करने वाले हो आगे चल के, फिर 1-2 साल करने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाता है। तो मैं मोस्टली ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ 3rd-4th ईयर कैंडिडेट्स पे, और ऑल्सो उनके पेरेंट्स पे भी, कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको कोर नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई पावर ट्रेन की कंपनी या कोई ड्राइव लाइन की कंपनी या एनर्जी की कंपनी, थर्मल कंपनी, ये सब नहीं मिलता है, तो भी आपको डिसहार्टन होने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप एसेंचर में जा रहे हैं या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं जो कि कंसल्टिंग फर्म भी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मुझे ऐसा लगता है मैकेनिकल इंजीनियर्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहता है रेदर देन बाकी फील्ड्स में, जैसे कंप्यूटर साइंस और IT हो गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करते हैं, और इवन मैं क्योंकि कोर जॉब करता हूँ, मैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब में ही हूँ, 7 साल से मैं इंजन के ऊपर रिसर्च और ये सब ही कर रहा हूँ,
तो मैं बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करता हूँ, शायद 200-300 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें इवेल्युएट करना पड़ता है और उनको हारमोनी में चलाना ज़रूरी है, तभी जाके एक इंजन वर्क करता है, एक इंजन फंक्शन कर पाएगा। और फिर उसके ऊपर कितना एमिशंस है, क्या है, वो सब के ऊपर भी हम लोग रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, पावर कितना डिलीवर होगा, कितना कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उस सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक पार्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो सेम चीज़ कंसल्टेंट्स भी करते हैं। वो लोग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको बहुत अच्छे फ्रेमवर्क में डालते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम चीज़ आप भी करोगे। हाँ, अब बात करते हैं सैलरी की। तो हाँ, स्टार्टिंग सैलरी आपको शायद 20,000-30,000 रुपये ही मिले, तो आप उसको ऐसे समझो कि 4 साल आपने जो बैचलर्स में पढ़ाई करी है उसमें आपको रिटर्न तो कुछ नहीं आया है उस टाइम तक, तो आपने पैसे दिए ही हैं, आपको मिले कुछ भी नहीं है ना, अभी आपका कैश फ्लो नेगेटिव है ऐसा बोल सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 2-3 साल आप स्टाइपेंड पे काम कर रहे हो, आप इंटर्न हो जहाँ पे आपको 20-30,000 की सैलरी मिल रही है, और आप अगर ये 2-3 साल अगर आप ये कर लेते हो और अलग अलग इंडस्ट्री की आपको नॉलेज हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो जाते हैं कि वो ही आपको रिक्रूट कर लेते हैं एक अच्छे बड़े पोजीशन के लिए। अगर आप में वो बात है, अगर उसको एक कैंडिडेट की ज़रूरत है और आप में अगर वो बात है, तो वो आपको ज़रूर हायर कर लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप 3 लाख रुपए में सैलरी में काम करते हो ईयरली, वो ये सब चीज़ें नहीं देखेगा, वो आपके कैलिबर को समझेगा और फिर उसको रिकॉग्नाइज जैसे उसने कर लिया तो उसको समझ में आएगा कि ये इंसान को इतना वर्थ होना चाहिए, तो वो आपको ज़रूर ले लेगा उन चीज़ों में। अगर नहीं भी लेता है तो भी आपके पास बहुत सारे मल्टीपल डोर्स खुल जाते हैं जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चालू हो जाता है। और एक मैकेनिकल इंजीनियर या आईटी को मार्केटिंग भी दे दोगे तो वो 1-2 महीने में सीख सक के कर ही लेगा, वो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। डिपेंड करता है कि आपका पैशन किस चीज़ में है, अगर आपका पैशन ऑलरेडी बिल्ट हो गया है तो, और अगर आपका पैशन बिल्ट नहीं हुआ है अभी तक तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग चीज़ों पर काम करो और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ में मेरे को किक मिलता है या मेरे को एक्साइटमेंट है, तो आप फिर उस चीज़ पे फोकस करो और उसी चीज़ पे काम करने की कोशिश भी करो। बस मेरे को यही मिथ हटाना था कि TCS, Accenture या ये सब चीज़ें, ये सब जो कंपनीज हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ये सब तो मास रिक्रूटर्स है, 250-300 लोगों को लेके जाते हैं तो हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई करियर नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। आप उस कंपनी से बात करो और आप समझो इस चीज़ को कि वो क्या रोल आपको देने वाले हैं और उस रोल से आपको कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर पाओगे, कितना आप एक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे, आगे चल के शायद आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ उस चीज़ को यूज़ करके, तो वो आपको ट्रेजेक्ट्री एक बार ही देख लेना है। और हर चीज़ प्लानिंग के ऊपर ही चल रहा है, ऑल्दो प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग होता है और रियल लाइफ में कुछ और ज़रूर हो सकता है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन फिर भी बिना प्लानिंग के आप कुछ भी स्टेप नहीं उठा सकते हो, राइट। तो आप एक ट्रेजेक्ट्री ज़रूर बनाओ कि अच्छा मेरा ये हो सकता है तो ये इसके बाद ये हो सकता है, एंड आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वॉन्ट टू द रिक्रूटर, तो उनको भी एक ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, ही हैज़ दैट और शी हैज़ दैट इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। और फिर अभी तो YouTube में आपको बहुत कंटेंट मिलेगा कंसल्टिंग में, ये वो बहुत चीज़ों में, तो आपको बहुत अच्छे से एक गाइडेंस ऑलरेडी गिवन है। बस मेरे को ये मिथ जो है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर कोड नहीं लगा तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता चलना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से या कैसे भी। तो यही मेरे को इस पर्टिकुलर वीडियो में समअप करना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे थोड़ा ज़्यादा, पर अगर आपको ऐसा कुछ कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए इस चीज़ को और ये मिथ तोड़ने की कोशिश कीजिए, और मेजरली पेरेंट्स को ज़रूर बताइए और पेरेंट्स तक फैलाइए इस चीज़ को कि लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। वो पता होगा उसके बाद वो तो उनका डिसीजन है कि उनको कोर लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है वो उनके ऊपर रहेगा, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे ही आपको नहीं छोड़ देनी चाहिए। आपको एक ड्यू डिलिजेंस करो आप अपना कि अच्छा ठीक है 250 लोग ले भी रही है तो पर क्यों है, क्या रैशनल है, क्यों लेना है इनको, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सब आप जैसे पता कर लोगे, एक ट्रेजेक्ट्री बनाओगे, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ डिसार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जॉब मिल रहा है और आपको सही में ऐसा है कि नहीं मेरे को थोड़ा बिजनेस सीखना है या मेरे को ये सब एक्यूमेंट डेवलप करना है, तो आप ज़रूर कंसल्टिंग में जाइए, आप ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग करा है तो आपको पूरा इंजीनियरिंग ही करना है, जबकि इन चीज़ों में भी इंजीनियरिंग ज़रूर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोई बिजनेस है जैसे मान लो ऑटो पार्ट डीलर है या ऑटो मेकर है,
तो उसकी भी असेंबली लाइन होगी, उसकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जहाँ पे कास्टिंग हो रहा है, मोल्डिंग हो रहा है, इंजेक्शन मोल्डिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आपका इंजीनियरिंग नॉलेज उसमें भी काम आने ही वाला है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसके अलावा और भी बाकी चीज़ें आपको डेवलप करना पड़ेगा, और विच इज़ वेरी गुड। आप एक ओवरऑल पैकेज बन जाओगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके तरफ ला सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें बताइए अगर आपको पसंद आया है तो। और बस इस वीडियो में इतना ही।